आज हमारे पास अवसर है कि हम प्राकृतिक खेती जैसे अभियानों में आगे आकर कृषि से जुड़ी वैश्विक संभावनाओं का काम सभी तक लाभ पहुंचाएं। देश इस दिशा में पिछले 8 सालों से गंभीरता से काम कर रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना और भारतीय कृषि पद्धति जैसे कार्यक्रमों के जरिए आज किसानों को संसाधन, सुविधा और सहयोग दिया जा रहा है। इस योजना के तहत देश में 30,000 क्लस्टर्स बनाए गए हैं। लाखों किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत देश की करीब 10 लाख हेक्टेयर जमीन कवर की जाएगी। हमने प्राकृतिक खेती के सांस्कृतिक, सामाजिक और इकोलॉजी से जुड़े प्रभावों को देखते हुए इसे नमामि गंगे परियोजना से भी जोड़ा है। प्राकृतिक खेती को प्रमोट करने के लिए आज देश में गंगा के किनारे अलग से अभियान चलाया जा रहा है, कॉरिडोर बनाया जा रहा है। प्राकृतिक खेती की उपज की बाजार में अलग से मांग होती है, उसकी कीमत भी ज्यादा मिलती है। हमणा हूँ दाहोद आवे तो दाहोद मने बधी हमारी आदिवासी बहनों मळी हती अने ए लोको प्राकृतिक खेती करे छे। एमणे कह्युं साहेब अमारो तो महीना पहला ऑर्डर बुक थई जाय छे अने दररोज अमारी जे शाकभाजी थाय छे तरत बजारमां मोंघा भावे अमने वधारे पैसा मळे छे।